ये गेयर की आवाज़ है, कोई साउंड या म्यूजिक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ये गेयर घस जाए तो ये शोर करता है, ठीक है। अभी हमने प्रिंटर को ऑन करके इनिशियलाइज किया और देखा कि काफ़ी नॉइस कर रहा था। अब हम इसका ये वाला गेयर चेंज करेंगे, ठीक है। ये गेयर बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है, इसको चेंज करने के मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये असम्बली जो है कम्प्लीट खुलेगी, ठीक है। तो इसको खोलते हैं। अब ये गियर बिल्कुल वैसे उतारेंगे जैसे बताया था आपको, ठीक है। ये सारे ये तीनों के तीनों गियर उतार लिए हमने, ठीक है। अब ये असम्बली खोलेंगे पूरी। ये अगर आप देख सकते हैं इसमें इसके पार्टिकल जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे गियर रब हो के, ठीक है। सबसे पहले ये सारी केबलें जो हैं ये हम रिमूव करेंगे वेरी सेफली, फिर उसके बाद इसका स्क्रू खोलेंगे, ठीक है। केबलें हमने रिलीज़ कर ली हैं, अब ये फ़ैन को रिलीज़ करेंगे। इसका एक स्क्रू ये है, एक स्क्रू ये है, एक लॉक ये है। ये लॉक खोला, ये दो स्क्रू खोलेंगे, फ़ैन आपका रिलीज़ हो जाएगा। ये फ़ैन का जैक यहाँ से उतार लिया हमने, ठीक है। फ़ैन हमने रिलीज़ कर ली है, अब एक स्क्रू ये खोलेंगे। इस गेट को भी हम रिलीज़ करेंगे, ये हमने आप धो के देख रहे हैं इसके, इसको हल्का सा पुश करेंगे ये रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये गियर खोलें, ये स्क्रू खोलेंगे और ये स्क्रू खोलेंगे, ये स्क्रू खोलेंगे, ये पूरी असेंबली फिर रिलीज़ होगी। चलिए अब स्क्रू खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। फिर सारे स्क्रू रिलीज़ कर लिए हैं, डोर को हमने ओपन कर दिया है, ये चीज़ें लूज़ हो गई हैं। असेंबली देखें अब हिल रही, ठीक है। अब हम असेंबली को आराम से ऊपर उतारें करेंगे, इस गियर को उतारेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख लें कि ये रिलीज़ हो गया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेशन वीडियोस आप तक आती रहे। प्रिंटर के जो लेफ़्ट राइट और बैक का जो कवर है वो मेरी पिछली वीडियोस में डिटेल में मैंने बताया कि कैसे खोलेंगे। जी हमने इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, ये गियर देख लें आप, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। इस गियर को हम उतारेंगे और नया गियर लगाएंगे इसमें, ठीक है। ये गियर हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये गियर चेंज करेंगे, असेंबली की करंट पोजीशन ये है, ये नया गियर है, ठीक है। ये पुराना गियर है, ये देख लें बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। मैंने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया इस पर। ये इसकी स्प्रिंग की सेटिंग है, ये असेंबली है, अब इसको हम बंद करेंगे। जी ये असेंबली प्रॉपर बैठ गई है, आप देख लें, ठीक है। ये गियर भी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इस पर हम आगे काम करेंगे। ये टोटल असेंबली जो है ना बंद हो गई है, सारे स्क्रू लगा दी हैं, तमाम वायर्स लग गई हैं, ठीक है। गियर नया डल गया है, अब ये डोर के साथ फंक्शन देख लें, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं और आगे देखते हैं। गियर वापस लगा दिए हैं ये हमने, जैसे उतारे थे आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में, ठीक है। ये प्रॉपर गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं, इसके तमाम कवर लगाने से पहले इसको पावर अप करेंगे, तमाम चेक के कनेक्शन चेक कर लें, कोई कनेक्शन उठा नहीं हुआ, सब ठीक है। आपने गेट लगाने से पहले इसका बैक डोर लगाना है, बैक डोर लगा के तो एक दफ़ा आपने टेस्ट करना है कि आया कोई इशू तो नहीं आ रहा। उसके बाद आपने इसके तमाम कवर लगा के प्रॉपर इसको बंद कर दें, ठीक है। जिसको हमने पावर अप किया और अब ये साउंड देख लें, बिल्कुल स्मूथ है, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है, ठीक है। प्रिंटर को इनिशलाइज होने दें, इनिशलाइज होने के बाद हम प्रिंट भेजेंगे, प्रिंट भेज के देखेंगे कोई इशू तो नहीं आ रहा, फिर इसका हम कवर लगा के सारा बंद कर देंगे। ये देखें जब हमने प्रिंट भेजा है, कोई साउंड नहीं है किसी किस्म की गियर की, प्रिंट भी बिल्कुल परफेक्ट हमारे सामने बाहर आ गया है। ये आप देख सकते हैं किसी किस्म की कोई शेड कोई भी ऐसा इशू नहीं आ रहा, और साउंड आप देख लें कि बिल्कुल स्मूथ हो गया है प्रिंटर बिल्कुल, और प्रिंटर हमारा सक्सेसफुली रिपेयर हो गया है। अब इसके कवर लगा के सारा इसको बंद कर देंगे हम।
प्रिंटर प्रॉपर बंद हो गया है सारा, ठीक है, और बिल्कुल साउंडलेस हो गया है और प्रिंट बिल्कुल ए बंद आ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ओवर वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो न्यू यूज़र है कमिंग अप उनको वेलकम, और प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आपको, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो मिल सके। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।